सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए अच्छे कर्म कर लीजिए। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। किसी के बुरे वक्त में उनका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर के लिए दुआ दे जाएगा। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, मेहनत करने से कभी मत थकना और कभी मत रुकना। आज का पंचांग 9 मई 2021 दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवति नामक नक्षत्र शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:16 से 6:54 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 5:29 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। सिंह राशि 9 मई 2021 दिन रविवार, आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। आज ग्रह गोचर अनुकूल है, समाज तथा परिवार में आपके किसी विशेष कार्य की सराहना होगी। सभी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से करने तथा समन्वय बनाकर करने में कामयाब भी रहेंगी। जिस कार्य द्वारा आपको जल्दी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी या आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, ऐसे कार्यों को करने पर ध्यान देना होगा। आपके अंदर के कला गुण और विस्तारित करने के लिए उन पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके द्वारा आपको क्या फायदा प्राप्त होगा इस बात को भी जान लें। कला क्षेत्र से जुड़े लोग अपने कार्य को बेहतरीन करने के लिए अधिक मेहनत, पार्टनर द्वारा आपको सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। हड्डी से संबंधित तकलीफ को दूर करने के लिए योग्य उपचार की आवश्यकता होगी। सावधानियां, ध्यान रखेगी अत्यधिक भावुकता भी नुकसानदायक हो सकती है। दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। अगर घर में निर्णय संबंधित कोई कार्य चल रहा है तो उसमें विघ्न बाधाएं भी आ सकती है, कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक जाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। आपसे सामंजस्य द्वारा घर का वातावरण भी सकारात्मक रहेंगे। घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते संबंधित बात भी हो सकती है। आज के दिन रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी अंतरंग योजना से, किसी खर्चीली सरप्राइज से उन्हें खुश और चकित कर देने की योजना बना सकते हैं। आपको भी शायद बदले में उनसे कोई ऐसी ही सरप्राइज मिली। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ एकांत समय बिताने की योजनाएं बनाएं। अगर परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सर्वोत्तम समय है। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए दिन अच्छा है जिनमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं, इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। मीडिया और ऑनलाइन कामों से संबंधित व्यवसाय में गतिविधियां उचित रूप से चलती रहेगी, परंतु कोई भी डील अथवा लेन देन संबंधित कार्यों में बहुत अधिक सावधानी बरतें।
इस समय कोई ऑर्डर रुक जाने से नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। भारी तथा गरिष्ठ खान पान से परहेज रखें। इस समय अपनी दिनचर्या और गतिविधियां सुव्यवस्थित रखना जरूरी है। आप आज अपनी जीवन शैली में सचमुच कुछ स्वास्थ्य कर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्य कर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपने इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी अच्छे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।